वायरल हो रहा है। सिपाही राम आसरे ने सब इंस्पेक्टर यानी दारोगा को पीटा है। दारोगा रमेश चौहान को लाठियों से पीटा गया है। दारोगा की तहरीर पर सिपाही पर केस दर्ज किया गया है। आरोपी सिपाही को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। शहर कोतवाली का यह मामला है। सिपाही ने दारोगा को पीट दिया, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। अब वजह निकलकर सामने नहीं आ रही कि आखिरकार ऐसा सिपाही ने क्यों किया। बहरहाल सिपाही को निलंबित कर दिया गया है। बसंत मिश्रा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। बसंत, ये नौबत कैसे आ गई? राहुल जी, मैं आपको बता दूं, शहर कोतवाली में लॉकडाउन के दौरान सिपाही जो है रामासरे और दीवान जो है और दरोगा जो है रमेश चौहान, इनको ड्यूटी पर लगाया गया था। इसी दौरान दरोगा जब मौके पहुंचते, उन्होंने सिपाही से खड़े होने के लिए कहा है और सिपाही आग बबूला होकर के डंडे से उसकी पिटाई दरोगा की करनी शुरू कर दी। तो कहीं ना कहीं वहां पर और भी सिपाही खड़े थे, तो भी बचाने नहीं आए। जब एक दरोगा को सिपाही किस तरह से पीट रहा है, ये वीडियो में साफ देखा जा रहा है। और इस घटना की जानकारी जब एसपी एलआर कुमार को हुई, तो फिलहाल जो सिपाही था उसको निलंबित कर दिया है और जांच सीओसीटी को सौंप दी है। जी, यानी जांच सीओसीटी को सौंपी गई और निलंबित कर दिया गया सिपाही को। अब अगली खबर ललितपुर से है, जहां पर दबंग ने एक दलित परिवार पर ट्रैक्टर से कुचलकर जान लेनी चाहिए। आरोपी राहुल ने पीड़ित परिवार से पहले भी मारपीट की थी और उसके खिलाफ कई केस दर्ज किए थे।